नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। 24 मई को सिंदरा को लेकर बीरीगोड़ा स्थित जामडी में मुर्गा की बलि देकर ढोल नगाड़ों के साथ की गई पूजा अर्चना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में बोरिंग गाड़ी में लगी भीषण आग, दमकल पहुंचने के बाद पाया गया आग पर काबू। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से अनुपालन के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, मास्क और ई पास की गई चेकिंग। भूखे प्यासे किन्नरों की मदद में सामाजिक संगठन आया आगे, बांटी गई खाद्य सामग्री। खबरें विस्तार से। मानगो थाना क्षेत्र के चेपा पुल के पास पुलिस ने छापेमारी कर गुटखा, सिगरेट और मोबाइल दुकान को सील किया। बाहर खड़ी चार गाड़ियों का चालान काटा गया। मानगो पुलिस ने शनिवार की रात लॉकडाउन के दौरान खुली दोनों दुकानों को मानगो पुलिस ने सील कर दिया। बाहर खड़ी चार गाड़ियां का चालान कर जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के संबंध में सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने जानकारी दी। जो भी खोलता है वो नियमों का उल्लंघन करता है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम नियम का अनुपालन कराएं, इसी के लिए दंड का प्रावधान है। तो जो व्यक्ति नियम नहीं मानते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे कोई भी दुकान अगर रात में खुले, बिल्कुल, अगर कोई भी जो भी दुकान आवश्यक नहीं है, जिसका सरकार ने परमिशन नहीं दे रखा, वो अगर 8 बजे के बाद खुलती है या 2 बजे के बाद खुलती है जैसा कि ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होती है। इधर शनिवार की देर रात सिटी SP और ADM लॉ एंड ऑर्डर ने लॉकडाउन का मानको क्षेत्र में जायजा लिया। इस दौरान ई पास बाजार की जांच पड़ताल की गई। इस संबंध में सिटी SP सुभाष चंद्र जाट और ADM लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल संयुक्त रूप से जानकारी दी। हम लोगों ने 2-3 चीज़ कर रखा है। एक तो पहले मॉर्निंग वॉकर्स था, वो लोग को घूमने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ताकि ये लोग झुंड में घूमते हैं और एक को भी कोविड अगर पॉजिटिव हुआ तो सबको पॉजिटिव कर देंगे, और प्राय ये लोग बिना मास्क से घूमते हैं। ये लगातार हम लोगों के द्वारा अरेस्टिंग किया जा रहा है कदमा एरिया में, सोनारी एरिया में, साक्षी एरिया में, मानगो, तालको, टेलको, आज़ाद नगर एरिया पे, जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन वाली एरिया है उस एरिया में, और कोविड के बहुत ज़्यादा शिकायतें ऐसे एरिया में मिले हैं। आज भी हम लोगों ने जो सलाई बागबेड़ा एरिया का भ्रमण किया है और उसमें भी हम लोगों ने कई को चेताया भी है, कई दुकान को बंद भी करवाया है, क्योंकि वो कुछ कुछ दवा दुकान वाले लोग सोचते हैं कि हम तो दवा बेचते हैं, हमें तो कोविड होना नहीं, और बिना मास्क लगाए बैठे रहते हैं। तो ऐसे दुकानों पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया। आपका जो सलाई में एक दुकान को हम लोगों ने दवा दुकान को बंद कराया, आपका आज़ाद नगर एरिया में 2 दुकान को बंद करवाया इस तरह से, और अभी एक पेट्रोल पंप वाले के सब का सब बिना मास्क लगा करके बैठ करके काम कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। उसके मालिक को तो मास्क भी नहीं मिला, आधे करीब 15-20 मिनट के बाद मास्क खोज करके कहाँ से निकाला, तो ये परिस्थिति में है। बहुत ही मेहनत के साथ दंडाधिकारी के साथ मिलके दिन रात कड़कती धूप में, बरसती बरसात में बहुत मेहनत कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये चेक पोस्ट लगातार यहाँ पर चल रही है। इस चेक पोस्ट की अगर बात करें, ये मानगो बस स्टैंड चेक पोस्ट है, यहाँ पे परसों जो बारिश हो रही थी उस बारिश में भी ये लोग छाता लेके यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनके लिए इनको रिवार्ड भी दिया गया है, और ये बताता है कि कितनी संजीदगी के साथ में काम कर रहे हैं।
ऐसे ही बरस की बरसात में DSP पटमदा बिन्ना चौक पे गाड़ियां चेक करते हुए नजर आए, तो ये कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसमें दंडाधिकारी भी कहीं पीछे नहीं है, दोनों कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, इसलिए कमी की कोई बात नहीं है। जहाँ तक गाइडलाइन की बात है तो खुद को इस कोरोना संक्रमण से बचाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए पर्याप्त ये लोग पानी पिएं, ORS वगैरह पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लोगों से बिल्कुल नज़दीक जाके बात नहीं करें ताकि इनमें खुद में संक्रमण नहीं फैले। दूसरी तरफ मानगो गांधी मैदान में बिना मास्क के क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले युवकों को पुलिस ने पहुंचकर खदेड़ा। सूचना वायरलेस से भी आया, हम लोग के थाना से भी आया, थाना प्रभारी महोदय द्वारा भी बताया गया कि गांधी मैदान में कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ में लड़के लोग बिना मास्क के क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे थे, बस उसी का सूचना का आवश्यक करवाए तो तुरंत हम लोग यहाँ पर पहुँचे, तो सब कोई भाग गया, फिर ऑलरेडी थाना वाले भी पहुँचे, हम लोग दोनों का सहयोग से सबको खदेड़ा गया, सब भागा फिर भाग गया यहाँ से, मैदान अभी खाली हो गया। सब ठीक ठाक है? हाँ, अभी सब ठीक ठाक है, माहौल शांत है, सब चल गया, अपना अपना घर चल गया, समझा दिया गया। इधर जमशेदपुर में लॉकडाउन के कारण किन्नर समाज को गहरी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि अब ये भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा अब इन्हें मदद की जा रही है। रविवार को ये सेवा मंच के द्वारा इन किन्नरों के लिए कच्चा राशन उपलब्ध करवाया गया। बर्मा माइंस ट्यूब कंपनी के पास निवास करने वाले किन्नरों को ये राशन उपलब्ध करवाया गया। इस राशन को पाकर किन्नरों के चेहरे में खुशी दिखाई पड़ी। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी काल में जरूरतमंदों की सेवा के लिए जिससे जो बन पड़े वो करना चाहिए और इसी सोच को लेकर ये सेवा की जा रही है। नहीं, आप लोग इसको खाइएगा तो हम लोग को संतुष्टि होगा। छोटा छोटा पैकेट नहीं बना, जैसे आप लोग आपस में सब बांट लेंगे। आज हम लोग साई सेवा मंच की ओर से टोटल ग्रुप आए हुए हैं, हमारे ग्रुप जो हमारे बहन लोग यहाँ रहते हैं, उनको कोरोना काल में थोड़ा मदद करने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, मगर साई सेवा मंच की ओर से जितना थोड़ा हम लोग समझ हम लोग सके हैं उतना हम लोग उनको दे रहे हैं और हम लोग का मन में संतुष्टि है। इसी तरह साई सेवा मंच हर क्षेत्र में हर जगह में सबको कुछ ना कुछ हम लोग दे रहे हैं और सबको तो भरपूर हम लोग नहीं कर सकते, मगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जितना जल्द हो कोरोना चला जाए, सभी को अच्छा रखे, सभी को सही रखे, सबको अच्छा से ढंग से सबको रोजगार मिले, पेट भरे, यही कामने के साथ हम लोग आज आए। इधर चक्रधरपुर के गोयलकेरा प्रखंड में एक खड़ी बोरिंग गाड़ी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर के गोयलकेरा के दलकेला में एक खड़ी बोरिंग गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात सामने आ रही है। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगल बगल के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और आग कैसे लगी पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं अग्निशामक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उधर सुंदरनगर थाना अंतर्गत बुरुडी फाटक के समीप बने
पुल पर गड्ढा हो जाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह मुख्य सड़क से हजारों वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। वहीं इस पुल के ऊपर एक गड्ढा हो चुका है और छड़ भी निकल चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पथ विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करने की जरूरत है ताकि लोग सड़क दुर्घटना से बच सकें। इधर जमशेदपुर में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 272 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 432 रिकवर हो गए हैं। और मानगो आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित एमओ एकेडमी में कोरोना वैक्सीन कैंप एसडीओ के आदेश के बाद लगाया गया। आजाद नगर थाना शांति समिति के सेक्रेटरी मुख्तार आलम खान ने बताया कि क्षेत्र में पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह वैक्सीन दिया जा रहा है। रोजाना 150 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आज ये आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में पहला सेंटर है और एसडीओ साहब के आदेश से ये शुरू हुआ है और यहाँ लगभग 150 लोगों को पर डे 15 वैक्सीन का अवेलेबल हम लोग को कराया गया है और पूरी टीम है, स्वास्थ्य केंद्र की पूरी टीम है और आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में काफ़ी खुशी है कि अपने महल्ले में एक सेंटर एमओ एकेडमी में शुरू हुआ है और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग 2-3 तंजीम मिले हुए हैं। सेंटर रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट है, आज़ाद नगर थाना शांति समिति है और एहसीन इंटरनेशनल के फाउंडेशन के चेयरमैन साहब आसिफ महमूद साहब ने लोगों को जागरूक करके काफ़ी लोग यहाँ आ गए हैं और ये काम शुरू हो गया है। बहुत खुशी की बात है। कितने उम्र के लोग? 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को यहाँ लगाया जा रहा है पहला डोज। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट ओल्ड पुरुलिया रोड नियर आजाद नगर थाना मानगो जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके चिकित्सक स्वर्गीय कृष्ण कुमार अग्रवाल को रेड क्रॉस सोसाइटी के पास रविवार को समाज सेवी राजेश अग्रवाल द्वारा उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उसके बाद शहर में घूम घूम कर लोगों के बीच मास्क सैनिटाइजर का वितरण करते हुए सभी को जागरूक किया गया। समाज सेवी राजेश अग्रवाल बताते हैं कि चिकित्सक कृष्ण कुमार अग्रवाल एक जाने माने चिकित्सक थे। कोरोना काल के प्रारंभ से ही उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर गरीब तबके के लोगों की सेवा की थी और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों का इलाज किया और YouTube चैनल के माध्यम से भी लोगों से जुड़े रहे। अंत में कोरोना ने ही उनकी जान ले ली। कोरोना की चपेट में आकर डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर के अग्रवाल जी को मैं एक अपने परिवार का गार्जियन मानता था और जब पिछले साल कोविड आई तब से लेकर आज हमारे परिवार वाले घर में कोई टीवी नहीं देखते हैं। जब भी इनका आता है यूट्यूब में लगा के इनका जो भी है वीडियो वगैरह आते रहता है, काफ़ी हम लोग इंस्पायर हुए। और मेरा एक अनुमान है कि पूरे हिंदू वर्ल्ड के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है और लाखों लोगों की जान बची है। लाखों लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर तक पास नहीं गए, उनके फिजिकल बात से सुनकर वो अपने आप को एक्टिव हुए, इम्यूनिटी मेंटेन करके ही ठीक हो गए। और दिल में बहुत जगह थी, बहुत इच्छा थी कि मैं इनको श्रद्धांजलि दूँ। आज मेरे को एक मौका मिला। मैंने अपने ऐसे COVID-19 चल रहा है, 5 लोग से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते, 144 भी चल रहा है, छोटा सा कार्यक्रम मैंने अपने दिल की इच्छा थी बोल के अपनी गाड़ी में सजाया है इनको और इसी माध्यम से मैं श्रद्धांजलि दे के और आप लोगों के माध्यम से लोगों तक इनका संदेश जाए और कैसे लोग इनको समझे, इनको पहचाने, उनके आगे भी वीडियो देखते रहें। इधर सरायकेला खरसवा जिले के बिरीगोड़ा स्थित जामडी में 24 मई को दलमा पहाड़ पर होने वाले सेंद्रा को लेकर दलमा वन देवी की पूजा अर्चना की गई। रविवार को दलमा बुरु सेंद्रा दिशुआ समिति के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने जामडी में शिकार करने के पहले पुजारी के द्वारा दलमा वन देवी की पूजा अर्चना की गई तथा बकरी एवं मुर्गी की बलि दी गई। ढोल नगाड़ा के साथ लोगों ने आनंद मनाया तथा शास्त्रों की भी पूजा अर्चना की। 24 मई की अहले सुबह लोग शिकार करने दलमा में प्रवेश करेंगे तथा देर शाम लौटेंगे। दलमा बुरु सेंद्रा दिशुआ समिति के अध्यक्ष फकीर चंद सोरेन ने बताया कि 24 मई को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दलमा पहाड़ में सांकेतिक तौर पर परंपरागत शिकार किया जाएगा। इस वर्ष कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए दलमा में सांकेतिक तौर पर शिकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति के 3-4 सदस्य पारंपरिक तरीके से दलमा के जंगल में जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे। परंपरा को बचाए रखने के उद्देश्य से केवल औपचारिकता पूरी की जाएगी। फकीर सोरेन ने सभी आदिवासी संगठनों से अपील किया है कि शिकार में भाग नहीं लेंगे और अपने घरों में रहेंगे। पूर्वजों में हम लोग जो रास्ता दिखाया है सेंद्रा के बारे में, तो उसी के सिलसिले में ये पूजा है। ये आज जो हमारा गुरु है, जो हम लोग जो पहाड़ बोलते हैं, उसका सेंद्रा कर जाएगा 20 तारीख को, उसकी पूजा उस सेंद्रा के लिए हम लोग पूजा अभी तरह पूजा हो रहा है और इसलिए पूजा कर रहे हैं ताकि हमारे जो जंगल के जीव जंतु हैं ये लोग भी सुरक्षित रहें और हमारे ये खेती बाड़ी है ये भी ठीक ठाक से हो। और क्या है ना कि हमारे जो भी अगल बगल के देवी देवता है वो लोग भी मतलब हमारे इस सेंद्रा पूजा में सहयोग करें, ये सब के लिए हम लोग किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर और सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में रविवार को चोरों का तांडव देखने को मिला, जहाँ पान दुकान और चूना भट्टा के समीप से एक के बाद एक दो मोटरसाइकिल की चोरी की घटना घटित हुई। वैसे पान दुकान चौक के समीप स्थानीय लोगों ने एक दुकान से लोहा चोरी करते एक युवक को धर दबोचा, जबकि एक अन्य युवक को बिना नंबर प्लेट के संदिग्ध बाइक टाइगर मोबाइल के जवानों ने धर दबोचा, जिसे पूछताछ के लिए आदित्यपुर थाना ले जाया गया है। उधर पान दुकान चौक से दबोचे गए युवक के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से आसपास में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। बताया जाता है कि पान दुकान चौक से पिछले दिनों 3-3 मोटरसाइकिल गायब हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आदित्यपुर थाना के PNT नंबर पर बार बार फोन किए जाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं हुआ।
उधर किसी ने मामले की जानकारी पीसीआर वैन संख्या 3 को दी, जिसमें मौजूद पदाधिकारी चित्रंजन कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों द्वारा दबोचे गए युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ आदित्यपुर थाना ले गए। बताया जाता है कि युवक जुगसलाई मुस्लिम बस्ती का रहने वाला है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों ही मामलों में एक एक युवक मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। स्प्लेंडर ब्लैक कलर का गाड़ी था सर, ये घर में अपना खाना बना रहे थे, ठीक है। उसी वक्त में दो लड़का लोग आया और स्प्लेंडर गाड़ी था J805 BB नंबर 8048 नंबर था वो गाड़ी का। उसके बाद दो जन आया, वो गाड़ी पे बैठा हुआ था। उस वक्त हम लोग केयर नहीं किए वो गाड़ी को। उसके बाद थोड़ा देर बाद बाहर निकले तो बोल रहे कि गाड़ी नहीं है, घर लगा हुआ। अब गाड़ी क्या था? रेंजर प्रो। कब चोरी हुई? अभी मतलब आधा घंटा पहले। टाइम बताइए। 9:30। कहाँ रहते हैं? आदिपुर वन रोड 917। अच्छा, कैसे पता? मैंने आप देखे नहीं किसी को? नहीं, खड़ा करके हम अपना घर में खाना बना रहे थे। उसी समय थोड़ा ज़्यादा 2 मिनट पहले बाद में निकले ना, तो देखा गाड़ी नहीं है। तब लोग हम बोले, हालांकि तब उसी समय दौड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। अब संस्थाएं कोरोना वॉरियर्स के लिए भी आगे आ रही हैं। पुलिस दिन रात अपनी ड्यूटी कर रही है ताकि कोरोना के तहत सरकारी गाइडलाइन का पालन लोगों को करा सके। समाज सेवी संस्था द्वारा पुलिस कर्मियों के बीच ORS का घोल, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण जगह जगह घूमकर किया गया। फाउंडेशन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम लोग गत वर्ष भी मानवता के लिए काफ़ी हम लोगों ने सफल प्रयास किया संस्था के तरफ से। इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है कि जितने भी कोरोना विक्टिम हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सुख सुविधा जितना संस्था के तरफ से हो सके वो उपलब्ध करवाया जाए। और इसमें से ख़ास तौर से जुड़े हुए सदस्य हैं मोइन खान राज जी, ओपी जी, सागर जी, उनका बहुत सफल योगदान रहा है। आज कहाँ कहाँ वितरण किए? क्या आज हम लोगों ने पूरे साक्षी में किया है, बिष्टुपुर में किया है और प्रयास है कि पूरे जिला में ही करने का हम लोगों ने। क्या किए? आज हम लोगों ने पानी वितरण किया है, केक किया है, ग्लूकोज वाटर किया है, वायरस का पैकेट दिए हम लोग। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। 24 मई को सिंदरा को लेकर बीरीगोड़ा स्थित जामरी में मुर्गा की बलि देकर ढोल नगाड़ों के साथ की गई पूजा अर्चना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में बोरिंग गाड़ी में लगी भीषण आग, दमकल पहुंचने के बाद पाया गया आग पर काबू। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से अनुपालन के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, मास्क और ई पास की गई चेकिंग। भूखे प्यासे किन्नरों की मदद में सामाजिक संगठन आया आगे, बांटी गई खाद्य सामग्री। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।